अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सॉरी फॉर स्टार्टिंग द क्लास अ बिट लेट। हम लोग टॉपिक कर रहे थे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। देखो अब हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है। ये जो पहला इधर देखना तुम यहाँ पर लेफ्ट वाले कॉलम में, ये सीरियल नंबर चल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी चल रही है और ये चल रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल आप डिवाइड कर दो। आप ये ऊपर पहले देख लेना, सवाल में लिखा हुआ है कि आपके पास टोटल जो है वो है 250। टोटल है 250 और 25/250, 34/250, हर नंबर को टोटल से डिवाइड करते जाए। ऐसे ही ये वाला कॉलम भी देखना है आपको। सब लोग ये दोनों कॉलम एक नजर देखिएगा। ये एग्जांपल कॉपी कुछ नहीं होगा, कॉपी नहीं करना। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज वन। ये एक तरह से आज का पहला कॉन्सेप्ट बनेगा।
example number 2. Fred records the color of 100 cars that pass his house. His results are shown below. Ye wala table aa gaya. Calculate the relative frequencies, experimental frequency of every each color. आप इसको करिएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉपी मत करिएगा डायरेक्टली, बस मुझे आंसर जो है वो शेयर कर दें, आंसर सॉल्व करके दे दें. मैंने सबके नीचे उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है, आप आंसर कंपेयर कर लीजिएगा. कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 10 अपॉन 100, 15 अपॉन 100, 38 अपॉन 100, 32 अपॉन 100, 100 ये ऊपर लिखा हुआ है, बस ये सिंपल है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये कैलकुलेशन करें, ये कैलकुलेशन देख लें, फिर इसका आप मुझे करके दें पार्ट नंबर, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2.
What is the probability that the next car to pass his house will be red, blue, not black? चलो अब ये वाला पार्ट करो, ये कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी है 0.1, जो कि रेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वही उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी. फिर ब्लू की प्रोबेबिलिटी 0.15 है. नॉट ब्लैक की कैसे करोगी? ब्लैक की 0.32 है, तो उसको 1 से माइनस कर दो. जब नॉट किया जाता है तो उसमें करना ये होता है नॉट में कि उसको 1 से माइनस कर दो. अब यहां आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी के वही नंबर मैंने लिखे हैं जो ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिख चुका हूं, तो मतलब दोनों का नंबर सेम है. अब मुझे लास्ट पार्ट करके दे.
अब इसका जो लास्ट पार्ट है, अगर उसकी सजेशन दे दें, ऑन एन एवरेज डे 3500 कार पास फ्रेड हाउस। अब ये कैसे होगा, इट्स अ रेशियो बेस्ड टॉपिक, तो आप इसमें क्या करोगे, आप देखोगे कि सिल्वर का जो रेशियो है वो 0.38 है, तो 0.38 इंटू 3500 कर दोगे, 1330 कार वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी सिल्वर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस कहते हैं। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये लफ्ज इस्तेमाल कर देता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आप समझ जाइएगा कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज अनदर वर्ड, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज अनदर वर्ड फॉर, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज अनदर वर्ड फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो ये वाली एग्जाम्पल देखें, कॉपी मत करिएगा इसका, आप मुझे पहला पार्ट करके दें। आप दो चलो अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अगर निकाली है तो उसको कंपेयर करो। बहुत सिंपल है, आपके पास ऊपर देखो कि टोटल नंबर ऑफ डॉग्स निकाल लो और इन सब को ऐड करके डिवाइड करते जाओ।
इन सब का टोटल कर लो और फिर उससे डिवाइड करते जाओ। What is the probability the next pet into the vet is a dog? अब डॉग की प्रोबेबिलिटी ऊपर आई हुई है, हेमस्टर की आई हुई है, कैट और अ स्नेक, और का मतलब होता है प्लस, और में प्लस कर दो।
लास्ट पार्ट देखो, ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर द वेट सीज अबाउट 8400 वेट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज वुड रैम एक्सपेक्ट टू बी रैबिट्स। रैबिट्स आपके पास अगर आप देखें तो ये है 0.11, 0.11 इंटू 8400 करें तो 924 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल कर दें।
मैंने इसके नीचे वर्किंग शो की है, मेरे पास टोटल आउटकम्स जो है अगर मैं सबको ऐड करूं 30 और 60, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स हैं 64. फाइव प्लस ट्वेल्व सबको ऐड किया, 64 आ गया. 64 को रख के रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली मैंने, उसके नीचे शो किया हुआ है. आंसर्स कंपेयर करें. अब देखो जब इसको प्लॉट करते हैं तो इसको डेसिमल में प्लॉट कर देते हैं, इट्स अ वे ऑफ डेसिमल कैलकुलेशन. और प्लॉटिंग तो चूंकि हमें आती है तो मैं उसको अलग से कोई टॉपिक के तौर पे डिस्कस नहीं कर रहा. ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओ लेवल मैथ्स, ये हमारा अगला टॉपिक है. ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा चैप्टर होता था, इट यूज्ड टू बी अ हैवीवेट चैप्टर, बट नाउ दिस चैप्टर हैज बिकम अ स्मॉल साइज चैप्टर. सब लोग हेडिंग डाल दें.
सब लोग हेडिंग डाल दें, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग डाल दें ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, इस चैप्टर में जो कोर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखिएगा। नंबर वन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, एनलार्जमेंट, स्ट्रेच, शीयर। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
पहला जो टाइटल है, अब इसमें आगे देखो लिखो मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करने के दो तरीके, एक कहलाता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और दूसरा कहलाता है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। उसका कोई फाउंडर मेंबर था, सबसे बात है कि चले नोट्स में हेडिंग डालिएगा रिफ्लेक्शन। इट इज द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्शन होती है उसको ऐसे सोचना चाहिए जैसे ये मिरर इमेज हो। अब ये बीच में देखें, दिस इज द मिरर लाइन, दिस इज द मिरर लाइन, ये देखें और ये वाला देखें। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये जो लाइन आप देख रहे हो इसमें ये जो ऊपर नीचे जो चीज लिखी हुई है, ये जो ऊपर नीचे दो चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। अब इसके मेन फीचर्स पे आ जाओ। रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज द एरिया और साइज। रिफ्लेक्शन एक्चुअली फ्लिप्स द ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज द ऑरियंटेशन। रिफ्लेक्शन मे अकर अलोंग एक्स एक्सिस।
वाई एक्सिस एनी गिवन इक्वेशन। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, when reflection occurs along x-axis, xy converts to x minus y, जब x y-axis में होती है तो x का साइन चेंज होता है, और जब reflection y is equal to x में होती है तो a comma b becomes b comma a.
ये भी कॉपी होगा स्क्रीन से। method of reflection for any figure, we join all the vertices of the figure to the mirror line by perpendicular lines. Perpendicular lines can be drawn by a set square. ये अब आप अगला concept बनाओ, अगला concept बनाओ कि जब आपको reflection करनी होती है तो क्या करते हैं। जैसे आपका ये point है A, यहाँ से बिल्कुल सीधा चले जाएं तो ये reflection है। जितना डिस्टेंस यहां तक होगा, जितना डिस्टेंस यहां तक होगा उतना ही डिस्टेंस आगे ले जाएं। ये रिफ्लेक्शन है जो आप देख रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है फ्लिप। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, यहां से यहां तक लाओ और यहां तक ले आओ, जितना ये डिस्टेंस हो ना उतना ही डिस्टेंस आगे ले जाओ, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर। यहां तक डिस्टेंस लो उतना ही डिस्टेंस आगे ले जाओ, फिर यहां से डिस्टेंस लो उतना ही डिस्टेंस आगे ले जाओ। तो जब तुम इसको लेकर जाओगे, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये रिफ्लेक्शन है, देखो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखो अब आप ये देखिएगा, यहां तक आया है और फिर ये नीचे जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये रिफ्लेक्शन है। इसका एक और तरीका है कि आप डब्बे भी गिन सकते हो, जिसको हम बॉक्स काउंटिंग मेथड भी कहते हैं। बॉक्स काउंटिंग मेथड कैसे लगता है अगर हम उसको जरा देख लें।
कि अगर आप यहां से डब्बे गिनना शुरू करें, 1 2 3, मिरर लाइन तक पहुंच गए, फिर आप 90 डिग्री पे मुड़ जाएं, 1 2 और 3, ये बॉक्स काउंटिंग है। एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा तरीका वो भी बहुत सिंपल है, वो ये कि आप यहां से बिल्कुल सीधा यहां ले आए, और इस तरीके को भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। देखिए, दो दो तरीके हैं। एक तरीका है कनेक्टर बना लें, और दूसरा तरीका है बॉक्स काउंटिंग। एग्जाम्पल नंबर वन, अब ये वाली एग्जाम्पल देखें। प्लॉट द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस A62, B35 और C58। रिफ्लेक्ट दिस ट्राइंगल इन द लाइन y इज इक्वल टू -1। नहीं सॉरी, एक मिनट, स्विच हो गया, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन है, पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ें। जो y इज इक्वल टू x का काम होता है वो तो डायरेक्ट ही फ्लिप हो जाता है। जो 6 2 है वो 2 6 बन जाएगा, 3 5 5 3 बन जाएगा, 5 8 विल बिकम 8 5, और फिर आप उस पर लाइन भी बना दो। अब आप इसको रफली प्लॉट करके दिखा दें, इसको रफली प्लॉट करके दिखा दें।
इसको अगर आप जरा प्लॉट करती हैं तो आप मुझे उसकी पिक्चर दिखा दीजिएगा। अब देखो अगर आप इसमें जरा दिखाना चाह रही हैं मुझे तो आप प्लीज अपने वो उसको स्नैप करके शो कर दो। मैं दूसरा रख रहा हूँ, प्लॉट द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। ये आपको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ओरल नहीं है, आसान तो है लेकिन बस इसको कॉपी कर लें। ये वाली एग्जाम्पल स्क्रीन से कॉपी करिएगा, ये वाली एग्जाम्पल स्क्रीन से कॉपी करें, इसको फिर अगली क्लास में कर सकेंगे। चले इसको फिर रोक लेते हैं, इसको फिर अगली क्लास ही में करते हैं। आप इसको बस कॉपी करके छोड़ दें, कॉपी करने पे छोड़ दें।